हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और डाटा स्ट्रक्चर की। तो देखिए, जैसे प्रीवियस हम लोगों ने एरे, लिंक लिस्ट और ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे स्टैक, क्यू और ग्राफ की। तो जो एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हम लोग एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया और ट्री हो गया, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वो होते हैं आपके स्टैक, क्यू, स्टैक क्यू और ग्राफ। ये भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग इसमें बात करेंगे स्टैक की। तो देखिए, स्टैक के केस में क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं स्टैक की। तो देखिए, स्टैक में जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टैक में डेटा ऑर्गेनाइज होता है, ये काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम पे, लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड ए लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम, इज ए लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड कॉल्ड द टॉप। यानी स्टैक में क्या होता है कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड से किया जाता है। यानी मान लीजिए, से सपोज कीजिए ऐसे है, ये एक एंड ओपन है, यहीं से आप इंसर्शन, मान लीजिए कोई आपका डिस्क है तो आप कोई डिस्क इसके अंदर इनपुट करेंगे, तो से सर्कुलर डिस्क है तो इस तरह, उसके बाद दूसरी डिस्क आपकी इस तरह आ जाएगी, फिर तीसरी डिस्क इस तरह आ जाएगी, तो आप इंसर्शन भी इसी यहीं से करेंगे। और अगर आपको डिस्क बाहर निकालनी है तो वो भी आप यहीं से ही बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे केवल एक सिंगल एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, एंड दैट इज पॉइंट इज जनरली नोन एज टॉप। तो इस तरह का जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड स्टैक। दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन इट्स ऑपरेशन टू ए स्टैक ऑफ डिशेज ऑन अ स्प्रिंग सिस्टम, वो जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बना के दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह के जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको बोलते हैं स्टैक। अब सेकेंड आप आ जाइए क्यू पे। क्यू क्यू में क्या होता है कि इसमें फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा क्यू में वो पहले निकलेगा। तो ये नॉर्मल जैसे हम लोग लाइन लगाते हैं या स्कूल में प्रेयर के टाइम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ये हो गया आपका फर्स्ट। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम। ठीक है, ए क्यू ऑल्सो कॉल्ड ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम इज ए लीनियर लिस्ट इन विच डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड ऑफ द लिस्ट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड ऑफ द लिस्ट कॉल्ड रियर ऑफ द लिस्ट। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें इंसर्शन केवल एक तरफ से होता है, एक ही एंड से होता है, और डिलीशन भी केवल एक ही एंड पे होता है। जिस एंड से इंसर्शन होता है उसको बोलते हैं रियर, और जिससे डिलीशन होता है उसको बोलते हैं फ्रंट। यानी क्यू की हम लोग अगर बात करें, सपोज कीजिए, तो मान लीजिए हमने कहा कि से ये कोई क्यू है। अब इसमें हम अगर डिस्क इनपुट करा रहे हैं तो सपोज कीजिए अगर इसमें हम डिस्क इंसर्ट कराना है हमको, तो केवल इसी एंड से इंसर्ट होगा। ठीक है, ये पहला गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब जो इंसर्शन होगा वो इस यहीं से होगा, इंसर्शन। ठीक, तो जहां से इंसर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बैक साइड, यानी दैट इज कॉल्ड रियर। ठीक, और ऐसे इसके अंदर ये डिस्क है मान लीजिए क्यू में,
और यहां से फिर डिस्क जो है बाहर निकल सकती है। ठीक, तो यानी कि यहां से क्या हो सकता है, यहां से डिलीशन हो सकता है, डिस्क कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो इस एंड को क्या बोलते हैं, जहां से डिलीशन होता है, इस एंड को बोलते हैं फ्रंट। ठीक, तो क्यू क्या है, क्यू एक लीनियर लिस्ट है डेटाज का, जिसमें इंसर्शन एक एंड से होता है और डिलीशन दूसरे एंड से होता है। जिस एंड से केवल इंसर्शन करते हैं वो रेयर एंड कहलाता है ये, और जिस एंड से हम डिलीशन करते हैं वो फ्रंट एंड कहलाता है ये। और ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब जो क्यू में पहले आएगा वो पहले आउट होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका स्टैक हो गया और क्यू हो गया। तीसरे तरह का जो डेटा और डेटा स्ट्रक्चर है वो होता है ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है कि देखिए, ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज, नाउ वी राइट ग्राफ। डाटा समटाइम्स कंटेन ए रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज नॉट नेसेसरली हायरार्किकल इन नेचर। मतलब कुछ डेटा, कभी कभी डेटा में क्या होता है कि डेटा में आपस में रिलेशनशिप होती है बिटवीन पेयर ऑफ एलिमेंट्स, किन्हीं दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स में आपस में रिलेशनशिप होती है, और वो जरूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप हायरार्किकल इन नेचर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, सपोज एन एयरलाइन फ्लाइज ओनली बिटवीन द सिटीज कनेक्टेड बाई लाइन्स। ठीक है, द डेटा स्ट्रक्चर विच रिफ्लेक्ट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड ए ग्राफ। ग्राफ विल बी फॉर्मली डिफाइंड एंड इन सच ए मैनर। अब मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि ग्राफ के डिफरेंट नोड हम बनाएंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, पाँच, कैसे भी आपने बना दिया, छः, सात, आठ से नौ। ठीक है, या इसमें अगर मान लीजिए हमको एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है, तो हम इसमें एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा कि से ये हमने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह। ठीक है, अब हमने कहा कि इनमें आपस में जो रिलेशनशिप है वो हमको शो करना है। तो मान लीजिए हमने कहा कि इनमें जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक, जैसे हमने कहा 1 लिखा, वो उसका स्क्वायर शो कर रहा है, तो 1 1 हो गया। 2 लिखेंगे तो 2 का रिलेशन 4 से हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 3 का रिलेशन 9 से हो जाएगा। ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आपके वो रिलेशन शो करेंगे, तो 2 को आप रिलेट कर दीजिए मान लीजिए 4 से, 3 को आपने कनेक्ट कर दिया 9 से, तो इनमें 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये आपस में आप ऐसे लूप भी दिखा सकते हैं। तो इनमें क्या होगा कि आपस में इन एलिमेंट्स में कोई रिलेशन होगा। या हमने कहा कि 6 के जो डिवीज़र हैं, कोई भी नंबर हमने लिया, नंबर 6 मान लीजिए लिया, 6 के जो भी ऐसे नंबर हैं जो जिससे 6 पूरा कट जाए, तो कौन कौन से नंबर होंगे, तो हमें मालूम है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 6 अपने आप में होगा। तो अगर ये रिलेशन आपको दिखाना है ग्राफ में, तो 6 अपने आप में होगा, आपने ये दिखा दिया, फिर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इस तरह। तो मतलब देयर मे बी रिलेशंस बिटवीन द पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्राफ। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को, और उसमें ये जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि वो जो रिलेशन है वो हायरार्किकल इन नेचर हो, विदाउट हायरार्की भी उनमें आपस में रिलेशन हो सकता है। तो इस तरह से जो हम बाकी बाकी और जो कनेक्शन है उसको आप मान लीजिए जैसे एज पर ग्राफ कनेक्टेड है वो आप दिखा सकते हैं। अब उसमें जो रिलेशन हमारा डिफाइन हो रहा है वो हम इसमें से चूज कर लेंगे। तो इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है ग्राफ।
मेन इसमें जो हमने आपको लाइन बताई है वो आप ध्यान रखिएगा, वही इम्पॉर्टेंट है कि ग्राफ में क्या होता है, डेटा समटाइम्स कंटेन ए रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज नॉट नेसेसरली हायरार्किकल इन नेचर। अब इसमें जैसे देखिए, हमने कहा पेयर ऑफ एलिमेंट, जैसे हमने ये बनाया था 2 और 4, तो 2 4 में, 1 1 में और 3 9 में, इनमें एक रिलेशन है ना। इसमें रिलेशन ये है कि ये जो एलिमेंट है वो इसका स्क्वायर है, देखिए। या हमने 6 के जो डिवीजर हैं 1 2 3 और 6 इटसेल्फ, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है कि 6 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाए, सेल्फ तो डिवाइड होगा ही होगा। तो मेन आपको यही ध्यान रखना है कि ग्राफ में डाटा समटाइम्स कंटेन ए रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ एलिमेंट विच इज नॉट नेसेसरली हायरार्किकल इन नेचर। अब इसमें देखिए एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है, ये हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्क कर दें कि जो मेनी डिफरेंट नेम्स आर यूज फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर, सम कॉमनली यूज नेम्स आर डेटा एलिमेंट, डेटा आइटम, आइटम एग्रीगेट, रिकॉर्ड, नोड एंड डेटा ऑब्जेक्ट। द पर्टिकुलर नेम दैट इज यूज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, द कॉन्टेक्स्ट इन विच द स्ट्रक्चर इज यूज एंड द पीपुल यूजिंग द नेम। ठीक है, तो यानी उसने ये कहा, ये कह रहा है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट की बात करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो डाटा स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। जैसे एक तो हो गया आपका डाटा एलिमेंट, ठीक, कुछ जगहों पे इसको आप देखेंगे डेटा आइटम भी कहलाता है, डेटा आइटम, कहीं पे इसको आइटम एग्रीगेट भी बोलते हैं, आइटम एग्रीगेट, कहीं पे इसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं और डेटा ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो उस ये सब एक ही है, डिपेंड करता है, मतलब द कंपोनेंट्स ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर या द बेसिक यूनिट ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड, कैन बी नेम्ड एज डेटा एलिमेंट, डेटा आइटम, आइटम एग्रीगेट, रिकॉर्ड, नोड, डेटा ऑब्जेक्ट। इनमें से किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं उन एलिमेंट्स को, डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग रेफरेंसेस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि रिकॉर्ड, अगर फाइल्स, अगर आप फाइल्स की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर डीलिंग विद फाइल्स, तो डेटा एलिमेंट को आप क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड, ठीक। अगर आप लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं, लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट का बेसिक कंपोनेंट क्या हो गया, आप बोलेंगे नोड, या ट्री यूज कर रहे हैं तो भी नोड, या लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया और ग्राफ यूज कर रहे हैं तो भी नोड। तो जो डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक एलिमेंट हैं उनको डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उस हिसाब से उसको नेमिंग की जा सकती है। अगर फाइल्स आप डील कर रहे हैं, फाइल इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हो गया, तो उसमें जो एक बेसिक एलिमेंट होगा वो कहलाएगा रिकॉर्ड। अगर आप लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ यूज कर रहे हैं, तो उन सब का बेसिक एलिमेंट क्या होगा, नोड। जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ के टाइप बताया था, तो ये सब क्या है, ये जो हमने बनाया है ये नोड हो गए। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज एंड द एनवायरमेंट और द कॉन्टेक्स्ट फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड, द बेसिक डेटा एलिमेंट कैन बी नेम्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडे। आई होप आपको वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।